आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। भाजपाइयों ने मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती सोमवार को स्थानीय श्याम मंदिर भवन में पूरे श्रद्धाभाव से मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर उपस्थित भाजपा के नेताओं द्वारा स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कार्यक्रम के अंत में श्याम मंदिर भवन परिसर तथा भाजपा के बन रहे नए जिला कार्यालय परिसर में भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहवादी, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण स्वर्णकार, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, दिनेश यादव उपस्थित रहे। गिरडी से कैमरा पर्सन डिंपल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, सम्मानित मंच, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवनी पर कुछ प्रकाश डालने का काम किया। उनकी जो सोच रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत, आज उनका सपना साकार होते हुए प्रतीत हो रहा है। आज हम कश्मीर में गलवान घाटी में अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में आज हम ये कह सकते हैं कि जो उनका सपना था भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारतवासियों के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। आज उनकी आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिली होगी और हम कह सकते हैं कि हमने अपनी शौर्य को दिखाने का काम किया है। गलवान घाटी हो चाहे श्रीनगर में छुपे हुए आतंकी हो, क्या कहते हैं, वो भी दांत हो रही है, गोली लग रहा है, तो जब ऐसी रात होगी तो कैसे लोग इन ऑर्डर होगी। इसलिए हमने सोच रहे थे कि शायद उपद्रव समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार बदल गई आप देख रहे चारों तरफ उनकी उत्पात मचाना लोगों ने शुरू कर दिया। ये राज कहां जा रहा है, क्या स्थिति है? इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं थी, कर सकते थे। उग्रवाद को यहां जो जिस प्रकार से उत्पात मचा रहा है, आप गिरिडीह जिला कोडरमा जिला में घटना लगातार हो रही है। हाँ लाते हैं, हमने हम यहां इसलिए बोले कि आपका भैलवा घाटी में क्या हुआ, कुछ दिन पहले सड़क बना रहे थे, पुल बना रहे थे, कोडरमा में क्या हुआ, आए दिन जगह जगह से सूचनाएं आती है। तो आज को इस प्रदेश की हालत बिगड़ती जा रही है दिनों दिन। राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं खजाना खाली है, हम मानते खजाना खाली है, लेकिन राज्य के खजाना में तो पैसे ही आने देना नहीं चाहते। पैसा वो क्या करे, आपको ध्यान में होगा बरहरवा में एक छोटा सा बरहरवा को गए होंगे, बंगाल के बॉर्डर पर है, एक नया कस्बा बना है, नगर क्या बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं। हमको लगता है राज हनवार की आबादी जितना होगी शायद उससे भी कमी आबादी होगी, लेकिन वहां क्या है, ट्रक पत्थर की यहां से वहां या बंगाल की ओर जाता है या बिहार की ओर जाता है। तो टोल टैक्स की टेंडर में मंत्री और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि मैनेज कर रहे थे, और जब मैनेज नहीं हो पाया और वो व्यक्ति पहुंच गए शंभू भगत वहां पर जहां ऑक्शन हो रहा था, नीलामी हो रहा था,
उनको बाहर बुलाया गया हॉल से और वहां उनकी पिटाई हो रही। और जब पुलिस ने केस किया तो एसपी को लोगों ने सवाल किया कि आपने कैसे मंत्री को ऊपर केस किया। मैं इसलिए इस बात को यहां उल्लेख कर रहा हूं कि राज्य में लूट मची हुई है चारों तरफ। मैंने खाली ये उदाहरण दिया, पैसे सब जगह यही स्थिति। इस सरकार से विकास की उम्मीद नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर की नहीं कर सकते, बिजली पानी ये तो ये सब थोड़ा सुखाड़ कम हुआ जो कि पानी होते रहा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होती। बिजली की हालत तो कितनी खराब है आप सब लोग समझ सकते हो। हम तो क्षेत्र से आते हैं, कल भी आए थे, जगह जगह एक ही बात लोग बोलते हैं कि फिर बिजली ठीक करवाते। रांची में रहते हैं तो रोज टेलीफोन पहुंचता है बिजली ठीक कराते। ये हालत है इस प्रदेश की और इसलिए हमने